सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भैयाजी सुपरहिट के लिए. ढेर अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ या फिर गाने की बात करूँ, ढेर मिलियंस ऑफ व्यू आए हैं एंड ट्रेलर से ज़्यादा गाने पर आए हैं. लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है. तो जब भी फिल्म रिलीज़ होने से पहले इस तरह से पॉजिटिविटी आती है, इस तरह से रिस्पॉन्स आते हैं, लोग ट्रेलर को पसंद करते हैं एंड गाने को पसंद करते हैं, क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन एक्टर अपनी फिल्म को लेकर? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे. नहीं, थैंक यू. ऑफ कोर्स अच्छा फीलिंग होता है. लोगों को अगर गाना पसंद आए, ट्रेलर पसंद आए, मेहनत होती है और एक काफ़ी बड़ी इंडिकेशन होती है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. तो दैट वे थैंक यू टू ऑल दी ऑडियंसेस कि आप लोगों को ट्रेलर और गाने काफ़ी पसंद आए. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ कुछ हो रहा है मुझे. लेकिन अब बिग टेस्ट है 23 नवम्बर को. 23 नवंबर जब फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा कि सबको फिल्म कैसी लगी. हाँ, एंड उससे भी ज़्यादा लोगों ने आपको सारी में पसंद किया. लाइक मैंने ट्रेलर में मैंने भी जितना देखा है, गाने में देखा, हर जगह आदि पूरे फिल्म में आई थिंक आपने साड़ी में शूट किया है. तो जी हाँ, बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस साड़ी का? साड़ी में मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार पहला रोल मुझे ऐसा मिला है जहाँ मैं साड़ी पहनूँ, सिंदूर और एक यूपी की देसी हार्टलैंड की हाउसवाइफ. तो फर्स्ट टाइम अच्छा भी लगा और अजीब भी लगा क्योंकि कभी कभी मैं चल के जाती थी और सडनली शीशे में देखती थी, आई टू बी लाइक ये मैं हूँ, क्योंकि मेरी अंदाज अलग था, शक्ल अलग, मतलब अजीब. क्योंकि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में जब मैंने कभी भी इंडियन रोल प्ले किए हैं तो ज़्यादा मुस्लिम रोल्स प्ले किए हैं. हाँ, और जब भी मैंने बीवी का रोल किया है मैं मर जाती हूँ. हाँ, दिल ने जैसे अपना, मैं सलमान और मेरी शादी होते ही मैं मर गई. हाँ, कोई मिल गया के बाद जब क्रिश आई, हमने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, मर गई. तो ये या नहीं, नहीं, देखिए देखिए. लेकिन इसमें मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि कॉमेडी, फर्स्ट टाइम मुझे कॉमेडी करने का चांस मिला. यूजुअली फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ चोरी चोरी चुपके चुपके में मैंने कॉमेडी की थी थोड़ी, लेकिन उसमें कॉमेडी और ड्रामा बहुत था. हाँ, बिगनिंग ऑफ द फिल्म में कॉमेडी थी, फिर ड्रामा काफ़ी हो जाता है. नहीं तो जितनी भी मैंने फिल्में की है उसमें दूसरे कॉमेडी करते हैं, मैं बस देखती रहती हूँ या सुनती रहती हूँ या गुस्सा में गुस्सा होती हूँ. इस फिल्म में मुझे थैंक्स टू आर डायरेक्टर एंड ऑल्सो द राइटर नीरज पाठक, मुझे उन्होंने ऐसा लिखा किरदार को, सपना दुबे का, बहुत कलरफुल था. तो कॉमेडी में बहुत मज़ा आया. उसमें जो जो भाव थे उसके इमोशंस, जो उसमें जो उसमें इतने लेयर्स हमने बनाए. क्योंकि जैसे सपना दुबे का रोल है, कैरेक्टर है, वो है तो 12th fail लेकिन अंग्रेज़ी बड़ा शौक से बोलती है. क्वीन ऑफ इंग्लैंड से भी बेटर अंग्रेज़ी बोलती है, उसको लगता है, उसको लगता है. हाँ, इनसिक्योर है, उसके दिल में और दिमाग में शक रहता है. तो जैसे हमारा, मेरा टैगलाइन भी पिक्चर में व्हाट द शक है, व्हाट द शक, टिंग टिंग. तो वो इनसिक्योरिटी कि मेरा पति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कब कर रहा है, ये कर रहा है, वो उसके दिमाग में इतना रहता है कि वो पागल हो जाती है. अच्छा, इसलिए आपने गन चलाई कि अभी बहुत कुछ करना है इसलिए? तो अलग अलग. हाँ, तो उसके जो भाव है और वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है एज अ कैरेक्टर. सो जो उसके दिल में होता है वो उसके मुँह में आ जाता है और वो फटाक से बोल देती है. हाँ, और एक वो जो छोटे सिटीज़ का जो एक स्वीटनेस होता है और एक जितने आप बड़े बड़े सिटीज़ में जाओ उतने लोग पॉलिश हो जाते हैं, सही बात करेंगे. हाँ, हेलो कैसे है, मारेंगे भी तो पीठ पे मार देंगे, सामने नहीं मारेंगे. ये छोटे शहर के लोग स्ट्रेट अप होते हैं, उनके दिल में जो होता है बोल देते हैं, उनमें वो पॉलिश नहीं होता है क्योंकि वो सिंपल होते हैं. तो वो सिंप्लिसिटी भी है, ट्रांसपेरेंस उसकी, वो ट्रांसपेरेंसी है उसके कैरेक्टर में, आपको दिखता है उसके दिमाग में जो हो रहा है वो दिखता है कि क्या हो रहा है. सो दैट इज़ एक्साइटिंग. और मुझे बहुत खूबसूरत बनारसी साड़ियाँ पहनने का मौका मिला और हमने, नीरज और मैंने, डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि बनारसी साड़ियाँ ज़्यादा पहनेंगे क्योंकि वो जो हैंडलूम का आर्ट है वो डाई हो रहा है. तो उसे वापस लाने के लिए और इतनी खूबसूरत साड़ियाँ कि लोगों को भी पसंद, अब लोग वो उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पे आपने देखा कि नहीं देखा, लोग बहुत ऐसे? जी हाँ, मैंने देखा. कमेंट आ रहे हैं कि बहुत प्रिटी लग रही है आप. जी देखा मैंने, येलो साड़ी में. हाँ जी, वो साड़ी मनीष मल्होत्रा की थी लेकिन मेरे फिल्म में मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ. अच्छा। हाँ, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ तो मनीष मल्होत्रा मेरे उनकी बहुत फ़ैन हूँ मैं, तो इसलिए वो साड़ी मनीष मल्होत्रा की है. पर हाँ, तो
सोशल मीडिया के जरिए तो पता चल जाता है किसको क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो हाँ लोगों के कमेंट्स पढ़े अच्छा लगा। एंड प्रीति जी ह्यूज स्टार कास्ट है एंड डायरेक्टर भी आपका इंटरव्यू बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ इधर ही बैठे हैं, कुछ बुरा भी नहीं बोल सकती ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो ना बुरा देखो और कैसा रहा एक्सपीरियंस सनी जी है, श्रेष्ठ पड़े अमीषा पटेल हैं आप हैं। अमीषा और मेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम दोनों अच्छी दोस्त हैं, तो उसके साथ काम करके मज़ा आया, इसलिए भी क्योंकि मैं वो हीरोइन है और मैं छोटी सिटी की वहाँ की रहने वाली हूँ, तो वो एक फ़ैन और हीरोइन का जो वो होता है उसकी बड़ी फ़ैन हूँ मैं, तो जब तक वो हीरोइन है वो मैं तो पागल हो जाती हूँ उसके पीछे कि मलिका जी आह हा हा क्या हो इस पिक्चर में क्या काम किया है आपने ये जब मुझे लगता है कि वो मैं उससे इनसिक्योर हो रही हूँ तो मेरा अलग ही हो जाता है, अंदाज ही बदल जाता है, जो पलटा लेती हूँ मैं और कहती हूँ ओके वाओ यार डर गई यार, मुझे डराओ मत मेरी बंदूक निकल आएगी। हाँ अच्छा गन को क्या एंजॉय किया आपने, क्योंकि हमने देखा गन चला के बहुत प्रसन्न हुई मन प्रसन्न हो गया तो नहीं मज़ा आया मुझे। आई थिंक सनी दियोल की लाइफ में पहली बार किसी ने उन पर इतनी बंदूकें चलाई होगी, इतना उन्हें सताया होगा और फिर भी उन्होंने उन्हें प्यार किया होगा फिल्म में। हाँ विलेन को तो प्यार नहीं कर सकते हाँ उनका 2.5 किलो का हाथ पड़ जाता है तो जस्ट गाइज गिव मी 2 मिनट्स ना, यू आर लाइक बेताल ऑन माई हेड, यू मेक मी नर्वस, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स। सो तो हाँ तो ऐसे फर्स्ट टाइम सनी सर की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि उनको मैंने गोलियां भी चलाई, उनके सर पे डांस भी किया, उनको पागल कर दिया और फिर भी उन्होंने मेरे किरदार को प्यार किया। तो विलन को तो नहीं कर सकते ऐसे, तो जितने सालों में मैंने उनसे बातें नहीं की वो सारी भड़ास इस फिल्म में निकाल दी। सो मज़ा आया, इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन एंड अरशद और श्रेयस बापरे दे आर सो फनी, इतना हंसाया कभी कभी मेरा मन करता था उनका गला घोट दूँ क्योंकि मेरे को सीरियस होना था सीन में और वो हंसाते थे मुझे। हाँ। तो उनकी कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फनी है वो लोग। तो ये फिल्म में तो ये पक्का है कि टेंशन नहीं किसी को होगी, जाओ इंजॉय करो, अगर हेडेक भी है तो जाओ हंस हंस के हेडेक चला जाएगा, क्योंकि मेरे को देख देख के इतनी हंसी आती थी, तो डेफिनेटली ह्यूमर है इस फिल्म में। अच्छा टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए क्विक एक दो सवाल ये, और एक जो पसंद है फोन पे जो तलाक की बातें हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। एंड हमारे रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, आपने भी कहा कि उन्होंने तलाक दिया ना, मैंने थोड़ी ना एक्सेप्ट किया है, तो उन्होंने तलाक दिया हमने लिया थोड़ी। तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये कैरेक्टर का भाव दिखाता है, नहीं तो अगर किसी औरत को उनके पति ने बोला कि किसी कि आपको हम तलाक दे रहे हैं तो हिल जाएगी डिश, पर नॉट सपना दुबे, नॉट सपना दुबे, वो बोलती है ना माई नेम इज सपना दुबे, तो एग्जैक्टली तो वो बोलती है उसको कि उन्होंने तलाक दिया हमने लिया थोड़ी, तो उसका एटीट्यूड इसमें नज़र आता है कि वो लाइफ को कैसे अप्रोच करती है। और आप पिक्चर देखो और फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको वापस मिलूंगी और आपसे क्विज करूंगी, अगर आपको पिक्चर के बारे में जवाब नहीं आएंगे तो फिर आप मेरी बंदूक निकलेगी और इस बार गोली असली हो गई। आई विश कि हम सक्सेस का इंटरव्यू भी करेंगे बहुत ही जल्द फिल्म रिलीज होने से बाद। एक सवाल और ये कि लोग पूछते हैं कि आप अपनी फिल्मों को लेकर क्या चूजी हो गई इसलिए ऐसे थोड़े थोड़े ब्रेक के टाइम फिल्में करती हैं। नहीं नहीं आपका कुछ अंदाज है कि इस टाइप्स की फिल्में मिलेंगी तब मैं करूँगी, जैसे भैयाजी सुपरहिट है आप बात कर रहे हैं, लग रहा है कि आपने बहुत इंजॉय किया फिल्म में, आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, ऐसा कुछ है? जी हाँ मैं अपने करियर की बिगिनिंग से बहुत चूजी रही हूँ। मेरी फर्स्ट फिल्म क्या कहना थी जो कि बहुत अनकन्वेंशनल फिल्म थी, दिल से पहली रिलीज़ हुई लेकिन वो भी अनकन्वेंशनल थी क्योंकि जब आप अपना करियर लॉन्च करते हैं आप 10 मिनट के रोल में नहीं आना चाहते, आप एक फुल फ्लेज हीरोइन के रोल में आना चाहते हैं, तो तब भी मैं साल में 1 या 2 मैक्सिमम 3 फिल्में करती थी, और 3 मतलब 1 में 10 मिनट का रोल है लाइक दैट, पर 1 या 2 फिल्में ही की है मैंने, सो आई हैव ऑलवेज बीन चूजी। लेकिन 2007-08 में मैंने डिसाइड किया कि मैं क्रिकेट में जाना चाहती हूँ और बिजनेस में जाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि एक्टर ही एक ऐसा होता है जो कलाकार होता है वो 1, 2, 3 चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब कोई किरदार निभा रहे हो तो आप अपने आप को भूल के कोई और बन जाते हो,
तो फॉर यू टू मल्टी टास्क और ये भी करो पॉसिबल नहीं होता है. तो आई वॉन्टेड टू डू बिजनेस और इसलिए मैंने ब्रेक लिया. लेकिन अभी मेरे क्रिकेट का जो बिजनेस है अच्छा चल रहा है, सक्सेसफुल है. बस अमेजिंग होगा अगर हम जीत जाए, पर बियॉन्ड दैट एज अ बिजनेस इट्स डूइंग वेल. सो मेरे पास टाइम है अभी फिल्में करने का और इच्छा भी है, क्योंकि बीच में मैंने सोचा था अब शायद नहीं करूँगी, पर अभी इस फिल्म करके मुझे मज़ा बहुत आया. तो आई सेड अच्छा फिर और करूँगी. आई विश कि आप और बैक टू बैक ढेरों सारी फिल्में करें. एक आखिरी सवाल ये कि इंडस्ट्री में हमने देखा है बहुत सारे दोस्त हैं आपके, करीबी दोस्त हैं, एंड इस फिल्म में सलमान खान की भी बात हुई है, आपने ट्रेलर में भी होगा देखा होगा, तो आप बताइए उन्होंने ये ट्रेलर देखा या आप उनको देखा? सलमान की बात हुई है? हाँ, मतलब वो कॉमेडी करते हैं कि तू सलमान खान. नहीं, वो अमित जी की है. अच्छा, वो सलमान का सेकंड वर्ड. हाँ हाँ, तो अपना सलमान खान वो आपने देखा? हाँ. आप उनको, उन्होंने देखा या आप उनको दिखाना चाहेंगी? उन्होंने अभी तो नहीं देखा, पर ज़रूर, पता नहीं उन्होंने देखा या नहीं, क्योंकि मैंने उनके साथ अभी बिग बॉस की थी. हाँ. लेकिन वहाँ हम अपनी दूसरी फिल्मों की बातें कर रहे थे और इस फिल्म की बात की, पर आई एम श्योर उन्होंने देखा होगा ट्रेलर, क्योंकि अगर नहीं देखा होगा तो मैं अभी भेजती हूँ. चलिए उसको भेजूंगी बिंग ट्रेलर. तो मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि भैया जी सुपरहिट रिलीज होगी 23 नवंबर को, देखना ना भूलिएगा इन अ थिएटर नियर यू, क्योंकि ये पूरी फैमिली एंटरटेनर है. आप पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं और खूब सारा मजा करिए, हंसे और फिर वापस घर आ जाइए. अगली फिल्म भी अनाउंस होगी जल्द ही, उसका भी इंतजार कीजिए. लेकिन नहीं, और अगर आपके पास फ्री टाइम है तो फिर वापस जाइए और भैया जी सुपरहिट देखिए और फिर घर जाइए. थैंक यू सो मच. हमारे साथ ही प्रीति जिंटा, इनकी फिल्म आ रही है 23 नवंबर को भैया जी सुपरहिट. भूला मत फिल्म देखो, देखने या देखना ना भूलेगा. थैंक यू मैम. थैंक यू.